So let's continue with the series of lecture for current electricity. अब तक के सभी लेक्चर्स में हमने करंट एंड रेजिस्टेंस इन्हीं दो टॉपिक्स पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू किया था। इनफैक्ट आज के लेक्चर में भी हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही कुछ चीजों को एडिशनल लेवल पर कवर करेंगे। हालांकि आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो काफी सिंपल है, इंटरेस्टिंग भी होगा, और प्रीवियस लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस को जब हम चेक करते हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं एग्जामिनेशंस में, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो नीट के हों या सीटी हो महाराष्ट्र की, या फिर जेई मेंस तक के क्वेश्चंस हों, अक्सर इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें यहाँ पे करना है, एंड दैट विल बी ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ वायर। अब बच्चों, कोई भी एक वायर जब हमें उसके डाइमेंशंस के साथ डिफाइन की जाती है, जैसे कि एक यूनिफॉर्म वायर हम ले लेते हैं लाइक दिस, आप इस यूनिफॉर्म वायर को इसकी गिवन डाइमेंशंस के साथ अगर हम स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि ये हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑन बोथ द एंड्स, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम सेम मानेंगे, यहां से लेकर के यहां तक हम कहते हैं कि इस वायर की ये लेंथ है एल, और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि करंट इसमें यू एंटर करता है और थ्रू द लेंथ ऑफ द वायर पास होने के बाद दूसरे एंड से वो बाहर आ जाता है, और जिस तरीके का मटेरियल हमने यहाँ पे यूज किया है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, तो बच्चों इस सिचुएशन में इस वायर का रेजिस्टेंस हम बिल्कुल आसान तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। ओके, हाँ, इसमें अगर कुछ वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि एरिया छोटा बड़ा हो गया या लेंथ अलग अलग कर दी हमने किसी तरीके से, तो हम एलिमेंटल कंसिडरेशन करके इंटीग्रेशन करते हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम को उस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ इस टॉपिक पर हमारा अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि समहाउ अगर हम गिवन वायर को एलोंगेट करें, उसे स्ट्रेच करें, या हम उसे कंप्रेस करें, दबाएं उसे, उसकी लेंथ को छोटा करें, या समहाउ उसे एलोंगेट करें, उसे स्ट्रेच करें, उसको खींचे, तो फिर इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसा होगा, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा। यहां पर मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा, करंट की जो फ्लो सेंस है वो भी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे डायमेंशनल चेंज यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं कि हम या तो लेंथ को बढ़ाएंगे या फिर उसको कंप्रेस करके लेंथ को घटाएंगे, एंड देन वी वांट टू नो कि व्हाट व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इन सच सिचुएशंस। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी वायर से हम अपनी बात करना शुरू करते हैं कि वी हैव अ सर्टन लेंथ ऑफ द वायर गिवन टू अस दिस मच लाइक दिस, डिस्क्रिप्शंस वही सारे हम पुराने ले सकते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ओके, मटेरियल चाहे जो भी गिवन हो उसकी रेजिस्टिविटी रो है, हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी लेंथ एल है। अब बच्चों, अगर हम फोर्स लगा के इस वायर को खींचना शुरू करें और इसको हम इंक्रीज करा दें, इसकी लेंथ को इंक्रीज करा दें, लाइक डबल ट्रिपल थ्री टाइम्स फोर टाइम्स फाइव टाइम्स जितना भी चाहें हम। ओके, तो इन सच सिचुएशन हमें ऑब्जर्व करने ये मिलेगा कि जब हम इस वायर को एलोंगेट करते हैं, तो आप नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, एलोंगेट करने के बाद ये वायर हमें यूं अपियर होगी। जैसे मान लेते हैं कि इस वायर की लेंथ को मैंने थ्री टाइम्स कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसकी लेंथ ना फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि थ्री एल हो गई है फॉर एग्जाम्पल, या चलिए थ्री एल से ज्यादा बेटर ऐसे करते हैं कि पहले एल वन थी अब ये एल टू हो गई है, और पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन था। अब आप एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ पे नोट करेंगे कि जब आप इस वायर को एलोंगेट करते हैं, इसे खींचते हैं, तो लेंथ तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन उसके रिलेशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होने लगेगा। करेक्ट, यस सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप इस वायर को इतना लंबा कर दें, खींच दें, लॉन्गेट कर दें और एरिया जूं का तू रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
उसका एरिया श्रिंक करेगा और लेंथ इंक्रीज करेगी. तो इन दिस सिचुएशन यू मे गेट अ न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ऑफ कोर्स मटेरियल सेम रहने की वजह से हम यहां ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी, बट चूंकि रेजिस्टेंस मटेरियल के साथ साथ वायर के फिजिकल डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, उसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, और हमारे इसे एलोंगेट करने की वजह से लेंथ तो चेंज हो ही रही है साथ साथ एरिया भी चेंज हो रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें रेजिस्टेंस बदल जाता है, इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है. हो सकता है कि इनिशियल सिचुएशन में जो गिवन हालत है वायर की, उसका रेजिस्टेंस आप आर वन कॉल कर दें और लिखें रो एल वन डिवाइडेड बाई ए वन, और एलोंगेट करने के बाद आप इसके रेजिस्टेंस को आर टू कॉल कर दें और लिखें रो एल टू डिवाइडेड बाई ए टू. ऐसा हो सकता है. अब हमें इनकी एक एग्जैक्ट रिलेशन पता करनी है, एक एग्जैक्ट काइंड ऑफ कंडीशन पता करनी है कि भाई लेंथ हमने डबल कर दी या ट्रिपल कर दी या फोर टाइम्स कर दी या फाइव टाइम्स कर दी, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम चेंज होता है. हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करनी है. इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठाना है, बहुत बेसिक बात. देखो, इस वायर में लेंथ L1 है और यहां लेंथ L2 है, और ये देख के हमें पता चलता है कि लेंथ L2 ज्यादा है. यहां एरिया A1 है और यहां कंपैरेटिवली एरिया A2 जो है वो कम हो गया है. लेकिन एक चीज जो इसमें चेंज नहीं हुई है वो है वॉल्यूम. वॉल्यूम चेंज नहीं होगी बेटा इसमें. पहले जितना मटेरियल, जितनी वॉल्यूम का मटेरियल इसमें बैठ रहा था, अभी भी उतनी ही वॉल्यूम का मटेरियल इसमें बैठेगा. क्या आपने यहां पे कोई मटेरियल यहां से निकाला या आपने कोई मटेरियल किया? कुछ नहीं, आपने तो बस खींचा ना उसको, सिर्फ आपने उसको एलोंगेट किया. मान लेते हैं कि एक पाइप है आपके पास ऐसा, जिसके अंदर 5 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, 5 लीटर पानी इसके अंदर भरा हुआ है, 5 लीटर वॉल्यूम का पानी इसके अंदर है. आप इसको खींचे तो पानी तो अब भी 5 लीटर रहेगा. तो पहले जितने वॉल्यूम थी बाद में एग्जैक्टली उतनी ही वॉल्यूम रहेगी. ऑल्दो ये जरूर होगा कि लेंथ इंक्रीज हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो गया. गेटिंग इट राइट? यस सर. तो ये की पॉइंट है, इसे हमें याद रखना चाहिए कि एलोंगेशन से पहले मटेरियल जितना वॉल्यूम रखता था, एलोंगेशन के बाद मटेरियल का वही वॉल्यूम रहेगा. ठीक है, मैं फिर दोहरा दूं, ये की पॉइंट है, हमें इसे अच्छे से याद रखना चाहिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला सिचुएशन में लिखेंगे कैसे. तो आंसर सिंपल है बेटा, वॉल्यूम हम लोग सिलेंड्रिकल फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे A1 L1. एक सिलेंडर की वॉल्यूम यूं ही तो लिखी जाती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर. और इसी तरीके से वॉल्यूम फॉर द सेकेंड केस आप लिखोगे A2 L2. सो व्हेन नीडेड यू कैन टेक अ रेशियो ऑफ A1 बाय A2 व्हिच विल बी इक्वल टू L2 बाय L1. Or when needed, you can take a ratio of L1 by L2, which will be equal to A2 by A1. जरूरत पड़ने पर आप इस तरीके के substitutions यहाँ पे कर सकते हैं. अब आइए यहाँ पे resistance के formula पे आते हैं. हमें बस एक comparative relation establish करनी है कि elongate करने के बाद resistance कितना और कैसा change होगा. So why not to take a ratio of R1 by R2? Just take a ratio of R1 by R2. जब हम R1 by R2 लेंगे तो हम देखेंगे कि रो फैक्टर यानी कि रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम है, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग द सेम मटेरियल. और इस रेशियो को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखें तो हम लिख पाएंगे L1 by L2 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, A2 by A1. रेशियो लेना समझ में आ गया? जो चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है सेम ऑर्डर में आएगी, और जो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है अपोजिट ऑर्डर में आएगी. क्लियर हो गई बेटा बात? यस सर. यस सर. आप जरा इस चीज को हम एलोबरेट करते हैं, इस चीज को हम एलोबरेट करते हैं. कंडीशन नंबर वन, इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर हम लेंथ के हिसाब से बात करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ लेंथ जिसे बोलते हैं ना, कि भाई हमारे पास वायर पहले 8 मीटर थी, बाद में 16 मीटर हो गई खींच के, या 10 मीटर हो गई खींच के, या 50 मीटर हो गई खींच के,
तो हम जो डिस्क्रिप्शंस देंगे क्वेश्चन में वो लेंथ के हिसाब से देंगे। तो फिर हमारे इस फॉर्मूले में एरिया का क्या काम है? हमारे डिस्क्रिप्शन तो लेंथ वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से एरिया के फैक्टर को हटाएंगे यहां से। आप सोचो बेटा, अगर आप एरिया के फैक्टर को हटाते हो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक रिलेशन बनाई है ना, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन, तो ए टू बाई ए वन का रिप्लेसमेंट क्या होगा? यस, L2 by L1। वेरी गुड। सो ये हो गया एल वन बाई एल टू मल्टीप्लाइड बाई ए टू बाई ए वन का रिप्लेसमेंट भी एल वन बाई एल टू हो जाएगा, क्या कहते हो? देखो यहां से ए टू बाई ए वन इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू, इसको उल्टा कर लेना आप, इनवर्स करके लिखे। तो हमें एक बड़ा ही सरप्राइजिंग सा रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू का कंबाइन लेवल पे आप ध्यान दो स्क्वायर। सही जा रही है बात? यस सर। तो इस चीज को अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट दिया जाता है तो हम यूं लिख पाएंगे आर टू इक्वल आर वन एल टू बाई एल वन, और ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ये रिलेशन हमें बताती है कि आप लेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, एक सिंपल एग्जांपल। सपोज ये जो नई लेंथ है ना एलोंगेशन होने के बाद L2, ये इनिशियल लेंथ के थ्री टाइम्स है, थ्री टाइम्स। फॉर एग्जांपल, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, इनिशियल लेंथ का थ्री टाइम्स। मान लीजिए कि आपके पास 10 सेंटीमीटर की वायर थी, आपने उसको खींच के 30 सेंटीमीटर कर दिया। अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करें आप, अगर आप इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे बेटा R2 will become equal to R1 into L2, हटा के क्या लिखेंगे आप? 3L1 divided by L1, और ये आप करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये कट गया। तो आंसर क्या है, R2 is equal to 9 3 square R1। अब मैंने जानबूझ के 3 square लिखा है intentionally, ताकि एक और शॉर्टकट फॉर्मूले को हम समझ पाए। बहरहाल यहां पे अगर मैं आंसर बनाता हूं बेटा, तो आंसर तो आपने बिल्कुल सही बोला, हमें लिखना पड़ेगा 9 टाइम्स ऑफ आर वन, ये तो बिल्कुल सही बात। लेकिन जरा सोचे, वो 3 का स्क्वायर हो गया। अगर मैं वायर को 5 टाइम्स स्ट्रेच करता हूं, जस्ट इमेजिन करें, इफ आई स्ट्रेच द वायर फॉर 5 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, 10 सेंटीमीटर की वायर को 50 टाइम्स 50 सेंटीमीटर कर देता हूं, इफ आई स्ट्रेच द वायर फॉर 5 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, नया लेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L1, तो यहां क्या आएगा? 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर R1। इफ आई स्ट्रेच इट फॉर 2 टाइम्स, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। इफ आई स्ट्रेच फॉर 10 टाइम्स, 10 स्क्वायर। तो क्या हमको एक जनरलाइज फॉर्मूला मिल रहा है जिसमें अगर हम ये लिखें कि L2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ L1, देन फाइनल रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया। छोटी सी बात है, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आसान। अब आप खाली ये बताओगे भाई कितना लंबा करना है वायर को, दैट्स इट। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, कितना भी कर लो, जो भी फिगर ऑफ एलोंगेशन वहां पे बनेगा, नया लेंथ जितने भी फिगर ऑफ एलोंगेशन के साथ वहां पे आएगा, मैंने उसको एन बोल दिया। अब ये एन जो है ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन कुछ भी हो सकता है, 1.5, 2, 10, 50, 30, 100, कुछ भी बोल दो तुम, वट एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेचिंग द वायर इज। आपने क्या करना है, खाली एन का स्क्वायर करना है, आर वन करना है, खत्म हो गई बात। आ गया सॉल्यूशन का तरीका? यस यस सर। अब ये जो डिस्कशन हमने किया ना, ये इस लेवल पर हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ लेंथ की बताई जा रही है, एरिया ओरिया बाकी रेडियस वेडियस कुछ नहीं बताया जा रहा, सिर्फ ये बोला जा रहा है कि भाई लेंथ पहले L1 थी और बाद में n टाइम्स ऑफ L1 हो रही है, जैसे कि लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी बाद में 30 सेंटीमीटर हो रही है, तो n पकड़ना है हमको, n कितना है, अकॉर्डिंगली आप आंसर 2 सेकंड में निकाल सकते हो। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो डिस्क्रिप्शन हमको बताए जाए वो लेंथ के पैटर्न में न देते हुए हमको एरिया के पैटर्न में दिए जाए, इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। यस।
तो बच्चों फॉर्मूला तो अपना यही रहेगा, ये इसमें तो चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी आवर बेसिक फॉर्मूला। बट इफ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करते वक्त लेंथ का कोई रोल ही नहीं है, इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। तो आपने करना क्या है, आपने L1 by L2 का रेशियो का सब्स्टिट्यूशन क्या बनाया है, A2 by बस। तो आपने उसको वहां से उठाना है और अपने ओरिजिनल फॉर्मूले में आपने उसको लाना है। तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा R1 by R2 is equal to, याद करें यहाँ पे देखें मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, L1 by L2 था, अब L1 by L2 की जगह पे आपने क्या लिखना है, A2 by A1, यहाँ भी A2 by A1 है, तो क्यों ना इसे कंबाइनली एक ही बार लिख लिया जाए और कहा जाए A2 by A1 and this is just going to be square, correct है? Yes, such that के given situation में आप कह सकते हो कि R2 is equal to A1 by A2 का, अरे well पहले हम R1 लिख लें और उसके बाद आगे का calculation कर लें, R2 is equal to R1 times of A1 by A2 का square, getting it right? Yes sir. अब फिर आप यहां पे अपने हिसाब से कोई भी एक एग्जाम्पल सेट कर लें, कोई भी एक एग्जाम्पल सेट कर लें, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई एरिया रिड्यूस हो रहा है ना, ये ख्याल रखें यहां पे एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपसे ये कहना है कि जो नया एरिया बन रहा है A2 वो A1 का हाफ है, जस्ट एज एन एग्जाम्पल वो A1 का हाफ है, ठीक हो रही है बात? Yes, sir. तो गो फॉर द कैलकुलेशन, क्या करोगे आप इस सिचुएशन में, अगर आप कैलकुलेशन की कंटिन्यूटी देखोगे तो आप लिखोगे R2 इज इक्वल टू R1, आप क्या करोगे A1 तो आप जैसा है वैसे मेंटेन कर लो, उसकी जगह पे A2 हटाओ, A2 की जगह पे आप लिखो A1 डिवाइडेड बाई 2, और ख्याल रहे इसका आपने स्क्वायर करना है, सिंपली फैक्टर ऑफ A1 और A1 तो कट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या एक्सपेक्टेड आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1, क्या कहते हो? यस सर। Now I just want you people to think in this manner कि अगर नया एरिया पुराने वाले एरिया के कंपैरेटिवली 10 टाइम्स रिड्यूस कराया गया है, हाफ की बजाय 1/3 कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया, 10 टाइम्स रिड्यूस कराया गया उसको, तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, n square R1, बिल्कुल सिंपल है ना। है ना कमाल की बात, आसान है ना। तब हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, सिर्फ हमें उस n की वैल्यू को पकड़ने आना चाहिए क्वेश्चन में। एक बार हमने उस n वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई एरिया कितने हिसाब से रिड्यूस किया गया है, एरिया के रिडक्शन फैक्टर कितना है, आंसर निकल गया आपने, हार्डली 2-3 सेकंड का ही काम होगा। अगर नहीं जम रहा है, एन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो ओरिजिनल फॉर्मूले पे वापस आए, यहां से काम करें आप, नो इश्यूज। अब इसमें एक थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इन द सेंस जब हम वायर को एलोंगेट करने लगते हैं तो हम ये तो जरूर ऑब्जर्व करते हैं कि लेंथ बढ़ रही है और करस्पॉन्डिंग एरिया घट रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बेटा रेडियस भी तो डिक्रीज हो जाता है, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेडियस भी तो डिक्रीज होगा वायर का, यस सर, है ना। ये देखो यहां अगर आप इस डायग्राम को फिर एक बार चेक करो तो इनिशियल सिचुएशन में बच्चों जो रेडियस हमको गिवन है यहाँ ये वाला, आप फाइनल सिचुएशन में देखो यू मे गेट डिफरेंट रेडियस, यहाँ का R1 है मान लो तो यहाँ पे मुझे R2 बोलना पड़ेगा। सो मेनी अ टाइम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा गया है कि अगर रेडियस डिक्रीज हो जाता है तो फिर रेजिस्टेंस कितना होगा, अब यहां बात ना तो लेंथ की ऑर्डर में करेगा वो और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऑर्डर में करेगा, वो डेटा इस हिसाब से देगा क्वेश्चन में कि हमें रेडियस का इस्तेमाल करना होगा। सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस ऑफ वायर
नाउ थिंक इट इन अ वे कि रेडियस किसको करस्पॉन्ड करता है, रेडियस का जो करस्पॉन्डिंग है वो किसके साथ है, लेंथ के साथ है या एरिया के साथ है? एरिया, एरिया के साथ है। तो हमें एरिया वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब एरिया वाला फॉर्मूला तो ये है, ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ये हम जानते हैं। अब बेटा इसी फॉर्मूले को अगर हम रेडियस की टर्मिनोलॉजी में रीअरेंज करें तो हम यू लिख पाएंगे आर टू इज इक्वल टू आर वन, गौर करें, पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर टू स्क्वायर। क्या कहते हो बेटा? यस सर, बिकॉज इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन ना, आमतौर पर वायर का तो सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन होता है, एक्सेप्ट दैट इन अ प्रॉब्लम अगर कुछ और क्रॉस सेक्शन बना के दिया उसने, इन जनरल वायर तो सर्क्यूलर इमेजिन की जाती है। अब होगा ये कि ये पाई फैक्टर भी यहां से निपट जाएगा, तो फॉर्मूले की जो रिप्रेजेंटेशन है उसे गौर से समझें, ये बन जाएगा बेटा आर टू इज इक्वल टू आर वन इन ब्रैकेट, अगर आप ध्यान दें अच्छे से तो ये होगा आर वन बाय आर टू ब्रैकेट का पावर हो जाएगा फोर। कैसे? देखो यहां से ये आर वन का स्क्वायर, बाहर बिट तो टू है, कॉमन स्क्वायर है ना उसका, आर टू का स्क्वायर फिर कॉमन स्क्वायर है ना, तो एक ही कॉमन पावर हम ले सकते हैं टू इंटू टू फोर। यस। अब इस सिचुएशन को अगर हम एक एग्जांपल में समझें, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई रेडियस रिड्यूस हो रहा है एलोंगेशन की वजह से, और ये हो गया बेटा आर वन बाई टू फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचें यहां पे आप आंसर क्या क्लेम करोगे? आप तो यूं ही लिखोगे ना आर टू इज इक्वल टू आर वन, अब आर वन को कुछ नहीं करोगे और आर टू जो है उसको आप रिप्लेस करोगे आर वन बाई टू से, लेकिन पावर आपने लगानी है फोर टाइम्स ना, आर टू इज इक्वल टू ये आर वन फैक्टर तो कट गया, क्या एक्सपेक्टेड आंसर आएगा? टू इज टू फोर, टू रेस टू फोर टाइम्स ऑफ आर वन, और अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं फिलहाल तो टू रेस टू फोर का मतलब होता है टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, सिक्सटीन आर वन। अंदाजा किया आपने रेडियस, अगर आप सिर्फ हाफ करते हो, सिर्फ हाफ रेडियस हाफ करते हो, रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाता है। आप सोचो कि इसी तरीके के प्रॉब्लम में अगर हम एक जनरलाइजेशन करें और ये कहें कि नया रेडियस जो है वो पुराने वाले रेडियस का 1 अपॉन एन टाइम्स है, तो क्या आप मुझे फाइनल का क्लेम देंगे, फाइनल रेजिस्टेंस का क्लेम देंगे? क्या लिखूं मैं आंसर? वेरी गुड बेटा, एन रेस टू फोर आर वन। आप जो क्वेश्चन पूछना है पूछ ले, जिस तरीके का क्वेश्चन बनाना है बना ले, कोई मुश्किल बात नहीं है, एकदम रेडीमेड फॉर्मुलीज हमारे पास आ चुके हैं सारे के सारे। सिर्फ आपने ये पकड़ना है कि रेडियस कितना चेंज हुआ है, लेंथ कितनी चेंज हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चेंज हुआ, अकॉर्डिंग। अब कभी कभी इसमें कुछ परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर कम परसेंटेज के होते हैं, 2-3%, 4%, 5% ऐसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो ये कहेगा कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%, लेंथ 2% से बढ़ा दी गई है, तो बताएं फिर नया रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है ना, क्वेश्चन का ऑर्डर समझ में आ रहा है? तो इन सच सिचुएशन हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल अब आप नोटिस करें कि आपके पास वैसे भी लेंथ का एक फॉर्मूला बन चुका है, R2 is equal to R1 L2 by L1 अगर मैं गलत नहीं हूं इसका स्क्वायर, करेक्ट है? देखो यहां बनाया था ये, yes. अब सपोज अगर क्वेश्चन में इस तरीके का एग्जांपल दे दिया उसने कि भाई लेंथ में हमने फला 2-4% का चेंज करा दिया, 5%, 6%, 2%, 1%, 0.5% ऐसा, तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा एंड सो ऑन। तो आपको याद है हम लोग एरर का कैलकुलेशन करते वक्त पावर को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के रेफरेंस में, एग्जैक्टली उसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे करेंगे। इफ सपोज आई गिव एन एग्जाम्पल, इफ
लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय से एक्स परसेंट, ठीक है, एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं, एक्स कुछ भी हो सकता है बट एक छोटा नंबर, तो यहां तो एक्स परसेंट के इंक्रीज में उसकी पावर टू है ना, पावर टू है, समझ आ रही बात? यस सर। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 2x%, दैट्स इट, समझ आई बात? यस सर। अच्छा इस लॉजिक पर बताओ कि अगर रेडियस x परसेंट से डिक्रीज हुआ है तो व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस? 4 × x%, 4x% से इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, याद रखो रेडियस डिक्रीज हुआ डिनोमिनेटर में है ना वो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिनोमिनेटर में आता है ना बेटा, यस सर, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बस ये लॉजिक आपसे सुनना चाह रहा था कि अगर रेडियस में एक्स परसेंट का चेंज आया तो रेजिस्टेंस में कितने परसेंट का चेंज आएगा? 4x, और 4 है ना, और अगर उसने डायरेक्ट एरिया के हिसाब से बोला कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में एक्स परसेंट का चेंज आया है तो फिर रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? 2x%, हाँ, लेकिन ये सब छोटे चेंजेस के लिए होगा, स्मॉल चेंजेस के लिए, बड़े बड़े चेंजेस में ये काम नहीं आएंगे, इफ आई गॉट लॉन्ग लाइक 20%, 10%, 15%, लाइक 25%, सो इन सच सिचुएशन ऐसा डायरेक्ट 2x 4x ऐसा हम नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम बाकायदा लेंथ का एक प्रोपोर्शन लगाएंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि परसेंटेज में नया लेंथ कितना है एंड सो ऑन, इफ अ क्वेश्चन कम्स इन द डिस्कशन आई विल टेल यू कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया, गेटिंग इट राइट? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। फिलहाल मैं बस एक दो तीन सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आसान से, बिल्कुल बेसिक लेवल के, लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अ वायर इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस इफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वॉज आर। तो कहने का ये मतलब है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर वन जो है वो आर है, नया लेंथ जो है वो 2 times of L1 है। अब बस आप मुझे ये बता दो कि एन कितना हुआ? 2। That's it. R2 is equal to N square R1. खेल खत्म। Yes. R2 is equal to 2 का square R1. R1 is R. Therefore, final answer 4R. Hardly 10 seconds. वो भी हम slow कर रहे हैं इसलिए। बात समझ रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक और लेते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको देखें। अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm, तो ये ओरिजिनल अपना रेजिस्टेंस है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है 8 ohm। नाउ दिस वायर हैज बीन मेल्टेड, अब हमने इसको मेल्ट कर दिया, पिघला दिया एंड रिकास्ट किया, दोबारा बनाया, रीकास्ट कुछ ऐसे किया कि ओरिजिनल जो लेंथ है उसके हाफ लेंथ का हमने उसको बनाया, तो यहां थोड़ा सा ट्रिक आएगा कि L2 इज इक्वल टू L1/2, अपोजिट कर दिया हमने, ध्यान दिया आपने? यस सर। यस, मेल्टेड एंड रीकास्टेड इन अ वायर ऑफ हाफ द प्रीवियस लेंथ, नाउ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, तो बस आप मुझे यहां पे ये बता दो कि n कितना है? 2 नहीं है, n 2 नहीं है यहां पे, 1/2, हाँ वेरी गुड, n इज हाफ, ये समझना है बात को आपने। अब जो फॉर्मूला हमने ऑप्टेन कर रखा है, शॉर्टकट इज शॉर्टकट से ही काम करना है, टेंशन लेना नहीं, तो वो है अपना फॉर्मूला n² × R1, करेक्ट है? यस सर।
एन की जगह पे आपने जो नंबर बन रहा है वो नंबर चुपचाप से पुटअप करना है, टेंशन लेना ही नहीं है आपने, चाहे वो कंप्रेशन वाली बात हो या एलोंगेशन वाली बात हो। आपने देखना है एन कितना है, एन मतलब न्यू लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के बीच में जो नंबर एक डेवलप होगा एलोंगेशन या कंप्रेशन करने की वजह से, वायर को छोटा या बड़ा करने की वजह से, बस वो नंबर ढूंढ ले और फिर फॉर्मूला यही लगाएं आप, फिकर करें नहीं इसमें। और आर वन जैसे कि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से हमको बोला गया है 8 है, तो आई होप ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाता है, 1/4 × 8 एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 2 ओम। अच्छा अब नोटिसेबल बात देखो क्या है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, क्यों क्यों डिक्रीज हुआ रेजिस्टेंस, तो हमने लेंथ कम की वायर की, लेंथ कम की है, जब हम वायर की लेंथ बड़ी करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, समझे ना बात को? यस सर। हमने तो लेंथ कम की थी वायर की, अब लेंथ कम करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, क्या खास बात है उसकी। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें कितने भी क्वेश्चन करो ये इसी तरीके से आएंगे, कोई इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता हमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी ऑफ द सेम टाइप, थोड़ा बहुत एक आध दूसरा वेरिएशन आएगा, मैं बता दूंगा कैसे हैंडल करना है उसको, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इस क्वेश्चन में देखें, द वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज द लेंथ बाई 1%, सो जो चेंज ऑफ लेंथ हुआ ना यहाँ पे, ये डेल्टा एल में बोल देता हूं, ये 1% है। अब हमसे ये पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है याद रखो, 2% रेजिस्टेंस का चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल टू 2 times ऑफ चेंज इन लेंथ इन परसेंटेज, दैट्स इट, इस पर बात हो चुकी है अपनी, है ना? यस सर। तो वायर का लेंथ तो 1% से चेंज हुआ था, इसलिए रेजिस्टेंस हो जाएगा 2% से चेंज, फिनिश डन। यस सर। अभी एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में, काफी इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा डिस्कस करने लायक क्वेश्चन है, बाकी तो कुछ खास नहीं है इसमें। पढ़ ले जरा इसको अच्छे से। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 8 मीटर, यानी कि ओरिजिनल जो लेंथ है उसका वो 8 मीटर है और रेजिस्टेंस आर है, तो मैं एक वायर यहां पहले बना के बता देता हूं आपको, तो ये वायर यू ऐसी है, मान लेते हैं कि ये टोटल 8 मीटर की वायर हमारे सामने आ चुकी है, 8 मीटर है, रेजिस्टेंस आर हो गया। नाउ अ पोर्शन ऑफ द वायर ऑफ लेंथ एक्स इज एलोंगेटेड, अब पूरी वायर को एलोंगेट नहीं किया, ये खास बात है, यहां इस क्वेश्चन में नया है जो डिस्कस करने लायक है, पूरी वायर को पकड़ के नहीं एलोंगेट किया, सिर्फ इसका कोई एक पोर्शन लिया, यहां से मान लो सिर्फ इतना पोर्शन ले लिया इसका, कितना लिया हमको पता नहीं, उसने बोला भाई एक्स पोर्शन ले रहा हूं खाली, एक्स पोर्शन, सिर्फ इस एक्स पोर्शन को ही लंबा करते हैं, बाकी को जैसा है वैसे छोड़ते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं ना? यस। ऐसा पूरा नहीं खींच रहे हैं, ऐसे पकड़ा बचा हुआ पोर्शन है उसको पीट पीट के, पीट पीट के मान लो उसको लंबा कर दिया, कर सकते हैं ऐसा? यस सर। हाँ, और फिर बाद में टोटल जो लेंथ है वो 12 मीटर कर दी, ये देखो यहां पर, तो पहले वाली जो लेंथ थी अपनी तो वो 8 मीटर थी, बाद वाली लेंथ तो 12 मीटर हो गई, तो मैं एक चीज तो पहले जस्टिफाई कर दूं कि जो पोर्शन एलोंगेट नहीं हो रहा है, जैसे ये वाला पोर्शन ये एलोंगेट किया जाने वाला है, जो पोर्शन एलोंगेट नहीं किया नहीं करना है हमें, उसकी लेंथ कितनी है, 8 - x, बात को समझो। यस वो तो 8 - x ही है, उसमें कोई टेंशन नहीं, और सब मिला के ये पूरी वायर का जो रेजिस्टेंस बनता है, ये पूरी की पूरी वायर जितनी भी है इसका रेजिस्टेंस आर है। आप सोचो बेटा जब हम इसको एलोंगेट करेंगे तो ये जो 8 - x वाला पोर्शन है, ना तो इसकी लेंथ चेंज हो रही है और ना ही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना?
मान लो ये पॉइंट ए यस सर। अपना, ये वाला पॉइंट बी है, और ये मिडल पॉइंट कहीं या कहीं से भी एक पॉइंट पकड़ के हमने उसको एलोंगेट करना शुरू किया, तो ए से सी को कुछ भी नहीं हुआ था, जैसा था वैसे था वो, ये जैसा होना चाहिए था वैसे ही था। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि ये जो आगे सी वाला पार्ट है ये थोड़ा सा मान लो ऐसे लंबा हो गया, जस्ट एक सिंबॉलिक बता रहा हूं मैं, यहां पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते, नहीं तो चलो इसको हमने कर दिया लंबा, और कुछ इस तरीके से किया कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा और इसकी लेंथ भी बदल गई। अच्छा आप टोटल कितना हुआ बोलो, टोटल लेंथ कितनी हो गई उसकी? 12 मीटर। 12 हो गई। तो ये 12 मैं लिखूं कैसे? तो मैं इसका एक नया तरीका ढूंढता हूं देखो लिखने का। ये ब्लू वाला पोर्शन है 4 प्लस एक्स, अब तुम एंड से एंड जमा कर दो, एंड से एंड देखो कितना होगा, एंड से एंड यहां से यहां तक कितना हुआ -X और यहां से यहां तक कितना हुआ, 4 प्लस X इन दोनों का एडिशन करो टोटल कितना होता है देखो, 12। 12, और हमको 12 ही चाहिए था, समझे बेटा बात को? यस सर। अब इसमें एक और खास बात मैं आपको समझाता हूं कि इनिशियल सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है ना बच्चों, अगर आप वो लिखते हो तो ये हो जाता है रो, लेंथ कितनी 8, करेक्ट है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ए, बात आ रही जहन में? यस सर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सुनो यस नहीं आया? अरे सिंपल सी बात है, रो एल बाई ए, इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, आर कैसे लिखोगे तुम, रो एल बाई ए, टोटल लेंथ तो 8 है ना, यस समझो भाई, एकदम से आसान सिंपल बात, कोई खास बात नहीं है अगर देखा जाए तो। पक्का? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन ये है कि इस सिचुएशन में तुम रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे, ये जो भी रेजिस्टेंस नया बनने वाला होगा, मान लो ये आर डैश कुछ बनने वाला होगा जो कि हमें बताया गया है 4 आ रहे हैं, बाद में हम मेंशन कर लेंगे, फिलहाल तो इसको आर डैश नाम लिखते हैं, ये लिखोगे कैसे? 12 बाय ए, रो 12 बाय ए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप लिख ही नहीं सकते, आप ऐसे बोल ही नहीं सकते रो 12 बाई ए, आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि अब ये दो अलग अलग सेगमेंट्स हो गए, एक सेगमेंट है जिसकी लेंथ 8 माइनस एक्स है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ठीक से चेक करो ए है यहां से यहां तक, और दूसरा सेगमेंट है जिसकी लेंथ 4 प्लस एक्स है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता ही नहीं है कितना है, यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नहीं पता आपको कितना है, कुछ आ रहा है समझ में? दो अलग अलग सेक्शन हो गए बेटा, आप ये फॉर्मूला वहां पे नहीं चला सकते किसी तरह 12 कर दो डिवाइडेड बाय ए कर दो काम खत्म हो गया, नो नॉट पॉसिबल, नॉट अलाउड एट ऑल, समझे नहीं समझे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि ए से सी सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है प्लस सी से बी सेक्शन का रेजिस्टेंस कितना है और दोनों को मिला के ये आर डैश यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हो जाएगा, बात को समझो, यस बिकॉज दोनों सीरीज में कनेक्ट हुए जैसा होगा ना, एक रेजिस्टेंस इधर एक रेजिस्टेंस इधर, सीरीज में तो डायरेक्ट एडिशन होती है, क्लियर हुई बेटा बात? सर। अब आर ए सी लिखने का तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको, अच्छा उससे पहले ये जो आर वैल्यू है हम ये सब जानते हैं, ये 4 आर है गिवन है, वो तो बोल दिया उसने क्वेश्चन में कि ये 4 आर हो जाएगा तो चलो लिखा भी हमने, आर ए सी लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ी आसानी से लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे रो लेंथ कितनी है भाई 8 8 माइनस एक्स, 8 कहां से भाई, 8 8 कहां से, सिर्फ इतना -X 8 माइनस एक्स डिवाइड बाय एरिया कितना ए, टू। ए लिख लिया आपने, नो इश्यूज, लेकिन आर सी बी लिखने में प्रॉब्लम है,
चलो मैं कुछ हिस्सा इसका लिख देता हूं। रेजिस्टिविटी रो, लेंथ कितनी? 4 प्लस एक्स। एरिया कितना? नहीं पता। ए डैश, एरिया नहीं पता, एरिया नहीं पता हमें। एरिया छोटा हो गया होगा ना, तुमने खींचा ना, इतने इतने पोर्शन को तुमने खींच के लंबा कर दिया ना। यस सर। तो अब एरिया निकालें कैसे? तो बेटा अब हम ओरिजिनल कंडीशन पे जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल फंडामेंटल बात। हमने क्या बोला था, वॉल्यूम कैसी रहती है? इक्वल इक्वल। लेकिन यहां एक खास बात है कि पूरी वायर का वॉल्यूम इक्वल नहीं करना है, खाली इतने सेगमेंट का वॉल्यूम इक्वल करना है। समझ रहे बात? यस सर। सेगमेंट का यस सर। तो पहले इतने सेगमेंट का वॉल्यूम कितना था? सिर्फ इतने सेगमेंट का वॉल्यूम आपने इक्वल करना है, पूरे का नहीं। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, ये इक्वल करना है। ये दोनों एलोंगेटेड कंडीशन में थे ना, तो पहले वॉल्यूम कितनी थी बताओ? एक्स। अरे बेटा याद करो, वॉल्यूम ऐसे ही लिखी हमने, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। यस सर। तो सिर्फ इतने सेगमेंट की वॉल्यूम एलोंगेट करने से पहले कितनी थी? एक्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, और लेंथ एक्स। समझे नहीं समझे? यस सर। यस सर। बाद वाली वॉल्यूम कितनी है? इनटू 4 प्लस एक्स। ए डैश इनटू 4 प्लस एक्स। ए लिखोगे तो ए कट जाएगा। बाद वाला एरिया क्रॉस सेक्शन घट के ए डैश हो गया है। यस। तो आप बताओ कि ए डैश क्या लिखें? ए एक्स डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स। बस अब हमको क्या करना है, यहाँ ए डैश के लिए रिप्लेसमेंट कर देना है, फिर छोटा सा सॉल्यूशन कर लें, आंसर आ गया। That's it. आइए सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 4 मैं जो का तू कंटिन्यू रखता हूं। R, मैंने पहले R क्या निकाला था, जो निकाला था पुटअप कर लें। 8 रो डिवाइडेड बाई ए, ठीक हो रही है बात? यस सर। हाँ, सब्स्टिट्यूशन चालू करें। रो 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस रो 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए डैश। अब ए डैश की जगह क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स। 4 प्लस एक्स, जितना कैंसिलेशन कर सकते हो कर दो। ए ए ए कॉमन कैंसिल, रो 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 ये भी कॉमन कैंसिल। 8 इंटू 4 कितना होगा यहाँ पे? 32। 8 माइनस एक्स प्लस, क्या ये 4 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा? यस सर। तो इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 प्लस एक्स का स्क्वायर। सही जा रहे हैं? यस। चलो एक स्टेप मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, हालांकि इसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, बट लेट्स कंटिन्यू। ओपन करें ब्रैकेट, क्या क्या आएगा? 16 प्लस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, ठीक हो रही है बात? यस सर। 16 और 8 24 दूसरी तरफ ले गए 8, तो ये बच गया 8 माइनस एक्स प्लस 8x प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। We will be getting a kind of quadratic equation. मिलेगी quadratic equation एक? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Solve करें quadratic equation को। अब पूरे roots के साथ solve करें, ऐसे ही solve करें? चलो roots के साथ करते हैं। A कितना है? कुछ याद आ रहा है? यस सर। b² - 4ac / 12। अब ये मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, ये सब तो आना चाहिए आपको। डिवाइडेड बाय 2a, x = -b,
माइनस सेवन प्लस माइनस बी का स्क्वायर 49 माइनस 4ac, ठीक हो गया? यस देख लो, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, 49 प्लस 32 कितना हुआ? 81 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, दो पॉसिबिलिटीज, माइनस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, माइनस 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, यहां से निकालेंगे आंसर 1 मीटर, यहां से निकालेंगे आंसर माइनस 8 कितना? माइनस 8 मीटर, 8 मीटर। लेंथ में इंक्रीज करना नेगेटिव लेवल पे हो सकता है क्या? नो नो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर। उसने यही पूछा ना कि हम इस वायर को जो खींच के लंबा कर रहे हैं वो कितना करोगे, एक्स लेंथ कितनी लोगे आप, ये पूछा ना उसने। देन एक्स इज इक्वल टू बोला ना उसने, समझे बात को? यस सर। सो जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें ये वाला जरा क्वेश्चन मीनिंगफुल था, बाकी आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें इसमें, ये जो शॉर्टकट फॉर्मूले हम यहाँ बना रहे हैं बस इन्हीं से काम चल जाएगा, कोई खास बात नहीं है, आप विद इन नो टाइम इन चीजों को निपटा सकते हो। ओके यस सर। ओके, मैं एक आध और देखता हूं कि अगर इससे रिलेटेड कुछ और हमें क्वेश्चन मिलता है जो कंपैरेटिवली कुछ परसेंटेज कैलकुलेशन पर अगर बेस करता है। हाँ, ये वाला एक देखते हैं, ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। अटेम्प्ट करें जरा आपसे, देखें परसेंटेज वाइज है बात। Now, wire has a resistance of 10 ohm and it is elongated by 10%. तो उसकी length जो है ना वो 10% elongation suffer करती है, elongation 10% हो जाता है उसका। फिर अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई resistance कितना होगा, तो वैसे तो हम answer बोल दें 20% change, तो 10 का 20% 2 होता है, यानी कि 12 resistance आएगा इसका, answer direct हो गया। देखो Yes. मैंने जो बोला वो समझ में आया आपको? वायर में अगर हम 10% इंक्रीमेंट कराते हैं तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? 20%। तो वैसे ओरिजिनल रेजिस्टेंस का कितना मैग्नीट्यूड है, कितना वैल्यू गिवन है? 10 ओम। 10 का 20% कितना होता है? 2। 10 का 20% तो 2 ही होगा ना? Yes, yes. तो 20% इंक्रीज करने का मतलब क्या है? 2 से इंक्रीज करो तो 10 ओम में 2 इंक्रीज करो, यानी कि आंसर क्या आएगा? 12 मीटर है ना। लेकिन चलो थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो बात यहां पे चल रही है वो सारी लेंथ के टर्मिनोलॉजीज में बात चल रही है। अब हमने एक फॉर्मेट बनाया था ना, आर टू इज इक्वल टू आर वन, If I'm not wrong, शायद हमने लिखा था L2 divided by L1, इसका square, correct है? Yes, sir. यूं हमने लिखा था। अब बस आपको एक छोटा सा यहाँ पे आइडिया समझना है कि 10% elongation का मतलब क्या है, हम लिखे कैसे इसको? तो बेटा हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, L2 is equal to 110 by 100 of L1। ये बात आपने ठीक से समझनी है यहां, गेटिंग इट राइट? दिस मीन्स 10%, 10% इंक्रीज, 110 हो गया कि नहीं? यस yes. सोचो अगर मैं कहता हूं 25% इंक्रीज, तो आप क्या लिखते हैं? 125।
हाँ शाबाश, आप यहां लिखते 125 बाय 100 ऑफ L1, क्लिक हो रहा है? एंड सर। इफ आई जस्ट वांट टू से 5% इंक्रीज, तो आप यहां क्या लिखते हैं? 105 डिवाइडेड बाय 100। यस, 105 डिवाइड बाय 100, सो दैट मेक्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब बस ये जीरो जीरो यहां से हटा दो, ये जीरो यहां से हटा दो, तो हम लिख पाएंगे L2 इज इक्वल टू 11 बाई 10 L1। नाउ ब्रिंग दिस वैल्यूज हियर, ये सारी वैल्यूज को यहां ले आओ आप। सो R2 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा R1। अब L2 हटाओ, L2 की जगह आप क्या लिखोगे आप? 11 बाई 10 L1 डिवाइडेड बाई L1 एंड जस्ट नीड टू डू अ स्क्वायर ऑफ इट। L1 फैक्टर कट गया। Now R2 is equal to R1, क्या आपको ऐसे मिलेगा? Yes, R1 is 10, 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121, और 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 100, ये जीरो यहां से कट गया और एक डेसिमल शिफ्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? यस सर। वो तो वैसे भी हम बोल रहे थे 12 ओम आएगा। यस यस सर, है ना। तो ये एक सॉल्यूशन की स्ट्रेटजी मैंने बस आपके सामने रख दी, बाकी इस तरीके के न्यूमेरिकल में कोई खास नहीं है। मुझे बस ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगा, जो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रिक्वायर करता है। आई मे रिपीट हियर दैट के बाकी किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स अगर हमारे सामने आते हैं, तो हमने उसकी ऑलरेडी एक शॉर्टकट सिनेरियोस डेवलप कर ली हैं। अकॉर्डिंगली हम या तो एन स्क्वायर इंटू R1 से चलेंगे, या एन स्क्वायर इंटू R1 फॉर एरिया से चलेंगे, या एन रेस टू 4 इंटू R1 फॉर रेडियस के लिए चलेंगे, वेर एन इज दैट नंबर बाय विच द लेंथ और द एरिया और द रेडियस ऑफ दैट वायर हैज बीन चेंज्ड। ओके, आइदर इंक्रीज्ड और आइदर डिक्रीज्ड, नो इश्यूज, गेटिंग इट? Yes, चलिए तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे रुक जाते हैं। होपफुली हम कमिंग क्लास में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसी रेजिस्टेंस के ही बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जब हम ये सारा मामला रेजिस्टेंस का कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल कंटिन्यू विद ओम्स लॉ एंड द सर्किट कैलकुलेशन, बैटरीज एंड सेल्स और वो सारी चीजें फिर हम धीरे धीरे इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, रुक जाए फिर। यस सर। यस सर।